फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 जनवरी मंडे का दिन। मैं आपके लिए सम न्यूज़ लेके हाजिर हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक सीक टू लॉग ऑन टू माइंड ट्री। पी मेजर्स, पी यानी कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो। पी मेजर्स बेयरिंग केकेआर ऑल्सो आई स्टेक फ्रॉम लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ आईटी कंपनीज। बाइंडिंग ऑफर्स ड्यू नेक्स्ट वीक। बीड ऑफ लिवरेज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ओला सीक टू टेक एनबीएफसी रूट टू ड्राइव ग्रोथ। मूव पार्ट ऑफ इफोर्ट टू फोकस ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज आज टैक्सी बिजनेस स्लोस एंड इज ऑल्सो एम्ड एट सिक्योरिंग सेपरेट कैपिटल फॉर ओला मनी। देखिए ओला एक कैब सर्विस देने वाला कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया के अंदर। ओला चाहती है वो अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे, इसीलिए वो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर एनबीएफसी रूट को चुना है। देखिए ओला की बिजनेस अभी थोड़ा स्लो चल रहा है क्या बिजनेस, इसीलिए वो अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जेट लेंडर्स एक्सपेक्ट ए क्लियरर व्यू दिस वीक। एथियार स्टैंड रिपोर्ट ऑन जेट्स फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपेक्टेड दिस वीक। देखिए आपको पता होगा एथियार जेट एयरवेज की अंदर जो कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहती है। एथियार के सीईओ टोनी डगलास ने एसबीआई जो जेट एयरवेज की एक बड़ी लेंडर है उसको बोले कि पर शेयर की भाव को 150 के ऊपर मत देना। विल एथियार सॉफ्टेन, इसीलिए एथियार ने उसका जो कैपिटल इन्फ्यूजन का नॉर्म है टर्म को थोड़ा सा सॉफ्टेन कर दिया है। सैमसंग मे गो स्लो ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेस विल स्टॉप मेकिंग फ्लैक्सी मॉडल्स इन इंडिया। कर्व एक्सपोर्ट एज गवर्नमेंट एडवांसेस पीएमपी डेडलाइन। पीएमपी यानी कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी टू किक इन फ्रॉम फेब्रुआरी 1st। ई कॉमर्स कंपनी स्टेप ऑफ डिस्काउंट्स इन बिड टू गेट रिड ऑफ स्टॉक। सम डिस्काउंट्स अराउंड आर 3 डे 3-5% हायर दैन दोज ऑफर्ड ड्यूरिंग दिवाली। देखिए एफडीआई की नॉर्म चेंज हो जाने की वजह से ई कॉमर्स कंपनियों को न्यू पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा ऑन फेब्रुआरी 1st। तो ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना सेल बढ़ाने के लिए स्टॉक को वाइप आउट करने के लिए ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक दोज डिस्काउंट इज हायर दैन द दिवाली ऑफर। इट इज 3-5%। सेविंग द महाराजा एयर इंडियाज प्रॉब्लम हैव डिफाइड ए सॉल्यूशन डिस्पाइट जेनेरियस डोल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। पोटेंशियल स्वीटर्स आर स्कार्ड ऑफ इट्स डेब्ट बर्डन एंड ह्यूज एम्प्लॉई बेस। द गवर्नमेंट इज निक टू सेपरेट गुड एसेट्स फ्रॉम द बैड इन द होप दैट दिस विल हेल्प द कैरियर ब्रेक फ्री। गवर्नमेंट मे इशू एनसीडीज ऑफ अप टू 29,000 crore टू रीपे एआईज आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल लोन्स। इंडिया 2.0 प्लान। वोल्सवैगन ओपन्स न्यू R&D फैसिलिटी इन पुणे। सेंटर इज ए पार्ट ऑफ कारमेकर्स यूरो 1 billion कमिटमेंट टू मेक कार फॉर द इंडियन मार्केट। वोल्सवैगन ने अपना एक न्यू R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज पुणे की अंदर ओपन किया है सैटरडे को। मिंत्रा जबोंग गेट्स न्यू हेड फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल। देखिए आपको पता होगा मिंत्रा जबोंग कुछ साल पहले फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया था। मिंत्रा जबोंग न्यू फैशन हेड
ऋषि वासुदेव को चुना है। देखिए मित्रा जबंग के अंदर एक न्यू चेंजेस आया है। कुछ दिन पहले अनंत नारायण जो मित्रा जबंग के सीईओ थे वो अपनी पद से हट गए, उनके जगह लेने के लिए अमर नागराम आए थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर ब्रेक्स डिजिटल रिकॉर्ड। इंडियन क्रिकेट टीम्स 2 month ऑस्ट्रेलिया टूर हैज बिकेन द मोस्ट वॉच्ड ओवरसीज क्रिकेट सीरीज फॉर एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, ओवरटेकिंग व्यूअरशिप एंड वॉच टाइम ऑफ प्रीवियस टूर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। नो हैंड्स ऑन द व्हील, आईटी नीड्स टू वर्क थ्रू यूएस मिड लेवल टैलेंट क्रंच, चैलेंजेस टू द H-1B वीसा प्रोग्राम हैव मेड इट हार्डर टू गेट ए वर्क वीसा और हैव इट एक्सटेंडेड। इंडियन आईटी कंपनीज एंड देयर कस्टमर आर फेसिंग ए डर्थ ऑफ मिड लेवल टैलेंट इन यूएस कॉज्ड बाय स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स गवर्निंग द H-1B वर्क वीसा प्रोग्राम। शेयर चैट बैन 50,000 इन डीसे कंटेंट क्लीनअप। सोशल मीडिया स्टार्टअप टेक एक्शन टू कीप पोर्नोग्राफिक वायलेंट एंड फेक कंटेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। डिसे यानी कि डेंजरियस और रिस्की कंटेंट। देखिए शेयर चैट एक सोशल मीडिया ग्रोन इन इंडिया वो रिसेंटली बैन किया रिस्की और डेंजरियस कंटेंट को। शेयर चैट ने इंडिया के अंदर 14 लोकल लैंग्वेज को ऐड किया था जिसमें हिंदी, ओडिया, तमिली, तेलुगु, लॉट ऑफ लैंग्वेज आर देयर। इट हैज 35 मिलियन ऑफ यूजर्स अभी है। सहगल मुंजल स्किन्स पुट रुपीज 100 crore इन एडवांट एज फाउंडर्स फंड टू। जेन नेक्स्ट ऑफ लार्ज बिजनेसेस फैमिलीज बिकेम एंकर इन्वेस्टर इन फंड।